अतुल, ये देख, सेकंड सेम का मॉक टेस्ट पेपर तो है हमारे पास। अतुल, अतुल, आर यू इन? ए, अतुल को देखा आपने? नहीं, पक्का? पॉली, अतुल को देखा? नहीं 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 देखा। जा अतुल, अतुल, तुम लोगों ने अतुल को देखा है? अबे जब सब ढूंढ रहे तो हमारे को क्या पता होगा बे। और वैसे भी हम किसी चूहे बुए को नहीं पालते। चल निकल, चल चलना, निकल। पूछ रहा हूँ, निकल निकलना। अतुल, अतुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? कब से सब तुझे ही तो ढूंढ रहे हैं। और ये क्या है, ये अजीब सा लेटर? क्या लिखा है इसमें? सही वक्त आने पे बदला और ये वो और सब। और ये फोन का मैं क्या करूं? क्या है इसमें? अतुल, 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 कहाँ है तू? अतुल, तू अभी तो यहाँ था। यहाँ पे लाश है। हटो, 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 हटो। तो एक एक से मैं कहीं भाग नहीं रहा, बस जा रहा हूं। तो मुझे जाना होगा क्योंकि मैं आऊंगा उन लड़कों से बदला लेने के लिए। सिर्फ यही तरीका बचा है मेरे पास, लेकिन मैं आऊंगा। प्लीज 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 मैं छोड़ दो, मैं बदला नहीं जाता, मैं बदला नहीं जाता। विक्रांत, तुम इसी वक्त इस कॉलेज के लिए निकलो और पता करो कि यहां हो क्या रहा है। जी सर। सर, मैं हूं उदयपुरी, इस हॉस्टल का वार्डन। आप ही का इंतजार कर रहा था। जयंत सर। जयंत, पाँव में क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं, एक कमीने का पीछा कर रहा था, पाँव ट्विस्ट हो गया, लेकिन छोड़ा नहीं उसको, पकड़ लिया। ग्रेट सर। यार आजकल जब देखो कैंपस में बस पुलिस ही नजर आती है। यार जब तक जिंदा था तब तक कोई नहीं पूछ रहा था, चल मरने के बाद तो सेलिब्रिटी हो गया है ना। हाँ यार, मरने के बाद तो एकदम पॉपुलर हो गया चूहा, उसकी आफ्टर लाइफ एकदम सही जा रही है। क्या यार, तुम
इतना चिल क्यों मार रहे हो? पुलिस का मामला है भाई। पुलिस से डरने से पहले ना तुम लोग अतुल से डरो, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। रौनित तो गया, अब किसकी बारी? ए, ए, क्या, 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 छोड़ अपनी सोच, क्या समझा? ए, भाई, क्या हो रहा है ये सब? पहले यहाँ से। अरे रवि, करण, चलो प्लीज अपने अपने कमरे में जाओ। गो बैक टू योर रूम प्लीज। आइए सर। सर सारा कैंपस डरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। एक रात में दो दो सुसाइड्स, आखिर स्टूडेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी के दबाव में आकर कर रहे हैं या फिर इंटरनेट चैलेंज जैसी कोई वजह हो सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कैसे हैंडल किया जाए। कई सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को लेकर हॉस्टल छोड़कर चले गए हैं। हम पर इतना प्रेशर है सर कि अगर कॉलेज बंद कर दे तो मीडिया में काफ़ी बदनामी होगी हमारी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही तो हम आए हैं मिस्टर पुरोहित, बस आपका कोऑपरेशन चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर, मेरी तरफ से आपको फुल कोऑपरेशन मिलेगा। अतुल के वीडियो में वो बोल रहा था कि वो किसी से बदला लेना चाहता है। जी सर। कोई आइडिया है वो किससे बदला लेना चाहता था? नहीं सर, कुछ आइडिया नहीं। या तुम लड़का कैसा था? अब बताते हुए बुरा भी लग रहा है सर, लेकिन अतुल बहुत ही अजीब लड़का था। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था वो, हमेशा सबसे दूर दूर रहता था, अकेले अकेले रहता था और रात रात भर बैठकर किताबें पढ़ता रहता था। वो भी कॉलेज वाली किताब नहीं सर, पुनर्जन्म और लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे सब रितु के सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्टेड रहता था वो। हॉस्टल की लाइफ वैसे ही काफी टफ होती है मिस्टर पुरोहित, और खास करके अतुल जैसे अलूफ लड़कों के लिए। ऐसे ही लड़के अक्सर रैगिंग का शिकार बनते हैं। अतुल फर्स्ट ईयर में था ना? जी सर। उसके साथ कोई रैगिंग का किस्सा हुआ था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमारे कैंपस में रैगिंग के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये रूल्स तोड़े तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अच्छा, मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि आपके हॉस्टल में बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और रौनित? रौनित बहुत ही अच्छा लड़का था सर, सबसे घुल मिल गया था वो, सबके साथ हंसता रहता था। सच बताऊं सर तो ये दोनों ही हद से शॉकिंग है, लेकिन रौनित के सुसाइड से मैं ज्यादा शॉक्ड हूँ। उस रात मैं हॉस्पिटल से हॉस्टल वापस आ रहा था, वहाँ मैंने देखा तो कैंपस में बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए थे, सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैंने वहाँ जाकर देखा तो रौनित बालकनी में खड़ा रहकर रो रो कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। सर वो पीछे मुड़कर किसी से माफी मांग रहा था, लेकिन उसके अलावा वहां पर कोई नहीं था। ठीक है, थैंक यू मिस्टर पुरी, बाद में मिलते हैं। थैंक यू। जी सर। कोई प्रोग्रेस? सर वार्डन से तो बात हो गई है, लेकिन उसकी बातों से समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाकई में कुछ नहीं जानता या फिर सब कुछ जानता है और हमें नहीं बता रहा, लेकिन पता लग जाएगा सर। राइट। और हाँ विक्रांत, वहाँ के लोकल टीम को अतुल का फोन भी नहीं मिला था, उसे ढूंढने की कोशिश करो, शायद उसमें से कोई एविडेंस मिल जाए। राइट सर, रिपोर्ट करता हूँ।
सोचा था सब वैसा ही होगा, एक एक करके सब सबका हिसाब करूंगा और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा रोनित। अब तक तो रोनित का नाम क्या है तुम दोनों का? सर पॉली और ये करण। कौन से ईयर में पढ़ते हो? सेकंड ईयर। सुबह उस कॉरिडोर में झगड़ा क्यों कर रहे थे? वो तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। अच्छा, हमेशा ऐसे ही बात करते हो ऊंची आवाज में एक दूसरे की कॉलर पकड़ के? निकालना मैसेज आया ना। क्यों? सब देखा सर। चूहा, ये चूहा कौन है? अतुल है सर। सर वो अतुल के नाम पर मैसेज आया। रवि ने भेजा होगा। अतुल का बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ। अच्छा, ये रवि वही है जिससे तुम आज सुबह ऊंची आवाज में कॉलर पकड़ कर बात कर रहे थे? वही है ना? जी सर। सर अतुल ने इस वीडियो में बोला है कि रोनित मर जाएगा और वो सच में मर गया। सर उसने कहा था कि वो वापस आएगा। कहीं वो सच में वो वापस? बकवास कर रहा है सर ये। सर अगर पुनर्जन्म और भूतों की पढ़ाई करने से सच में कोई सुपर पावर बन सकता है क्या? करेक्ट। चल वीडियो दिखा। दिखा दिखा वीडियो दिखा। जैसा मैंने सोचा था सब वैसा ही होगा, एक एक करके सब सबका हिसाब करूंगा और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा रोनित। अब तक तो रोनित का ये रवि कहाँ मिलेगा? जैसा मैंने सोचा था सब वैसा ही होगा, एक एक करके सब सबका हिसाब करूंगा मैं और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा रोनित। अब तक तो रोनित का सच में डर गया मैं। मुझे लगा अतुल आ गया, कहीं रोनित के बाद उसने मुझे भी मार दिया तो। अबे फट्टू जैसी बातें मत करना यार, चिल मार। तेरे यही सब चक्कर में हम सब डूबेंगे, लूजर। और वैसे भी हम सिर्फ मस्ती तो कर रहे थे। अब उस डरपोक चूहे से हैंडल नहीं हुआ तो हमारी क्या गलती है उसमें? और पोली उस दिन क्या किया था तूने? हां नहीं, तेरा ही आइडिया था ना कोलैब वाला आइडिया। करम प्लीज ऐसा मत कर। करम प्लीज। तू चुप रहे वरना उसकी जगह भी तू होगा, समझा? अबे क्या कर रहे हैं? पैंट उतार इसकी।
बहुत गुस्सा आता है तुझे? वार्डन से कंप्लेन करेगा? नहीं नहीं करूंगा। पनिश करवाएगा? कर्म बीच छोड़ दे, उसके अकल ठिकाने पे आगे छोड़ देना प्लीज। मुझे माफ कर दो, अब नहीं। तू कहता है तो छोड़ देता हूं। छोड़ दूं? वहां बेहोश हो गया था और फिर भी तूने उसे खोलने नहीं दिया, क्यों? हाँ, अबे अगर अब तक चूहा वापस आया होता तो सबसे पहले तेरा दी एंड करता वो। क्या बकवास कर रहा है यार, मैंने मैंने तुझे कितनी बार रोका था। अतुल 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 पट्टू साले फट्टू कहीं के, पर तूने इंस्पेक्टर के सामने कुछ भी गलत बोला और हम दोनों फंसे तो तू सोच लेना मैं तेरा क्या करूंगा। चले कि आज तू मेरे रूम में सोना, इस पट्टू को साले को यहीं सोने दे, वरना कुछ दिन में तू भी इसके जैसा हो जाएगा। चल भाई, चल करण भाई। अतुल अतुल मुझे छोड़ दे यार, अतुल मुझे छोड़ दे, अतुल मुझसे गलती हो गई यार, प्लीज मुझे छोड़ दे, अतुल अतुल मुझे माफ कर दे, अतुल अतुल मुझसे गलती हो गई। कब हुआ ये? नहीं जानते सर, ये मिला है। मर्डर वेपन है? शायद मर्डर वेपन है। मिस्टर पुरी, आज के बाद कोई भी लड़का हॉस्टल से बिना परमिशन के बाहर नहीं निकलेगा। यस। और इन लड़कों के पास कोई भी शार्प चीज हो जैसे रेजर, सीजर्स, ब्लेड्स, सब जब्त कर। बिल्कुल। इसका रूम पार्टनर कौन था? रिकी था। यस सर। विक्रांत, एक और बच्चे की डेथ हो गई है और हमें कोई आइडिया नहीं कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तीन बच्चों को तो हम बचा नहीं पाए, लेकिन बाकी बच्चों को तो सुसाइड करने से रोकना होगा। सर, ये केस जितना सीधा लग रहा था उतना है नहीं, और मुझे ये पॉली का सुसाइड नहीं लग रहा। वो क्यों? कल ही मेरी पॉली से बात हुई थी, वो बहुत डरा हुआ लग रहा था, और जितना मैंने उसको रीड किया था मुझे नहीं लगता उसमें सुसाइड करने की हिम्मत थी। मैं कोशिश करूंगा सर कि एक और डेथ होने से पहले ये मैटर सुलझा दूं। आपको रिपोर्ट करता हूं सर। देन क्विकली लुक इनटू दिस। जी सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। यस सर।
सर गुंडे मवालियों से तो नेगोशिएट कर सकते हैं, उनसे सच भी उगलवा सकते हैं, लेकिन ये कॉलेज के स्टूडेंट्स, ये तो बस अपने ही करते हैं। सावंत गुंडे मवाली हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स है तो इंसान ही, और हर इंसान की फितरत अलग होती है, बस उसकी फितरत समझ लो, इंसान खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये रवि का फोन ट्रैक करो, उसके सारे कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। यस सर। और आज से उस पर वॉच रखना शुरू कर दो, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलो गेट टू वर्क, गेट टू वर्क। सर सर सॉरी सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है सर। तू करण का दोस्त है ना? हाँ सर, मोहित सर। सर अतुल यही है सर, जिस जिसने उसकी रैगिंग लिया ना, उन सबको बारी बारी से मार रहा है वो सर। अरे तू पहले शांत हो जाना, रिलैक्स रिलैक्स, आराम से ले। चलो बोल। सर रॉनित और पॉली ने उसकी रैगिंग ली थी सर, उन दोनों को मार दिया उसने सर। सर अब वो सबको मारेगा। तुझे कैसे पता? उस दिन रात को मैंने सब देखा है सर। अरे चलना यार, जल्दी कर। अरे टंकी खाली नहीं हो रही यार, बहुत है। अबे चूहे बहुत हैं इधर। नहीं बहुत चूहे हैं। अबे तू कहाँ जा रहा है? मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे कैसे? अबे पी पीना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पॉली और रोनित के साथ और कौन कौन रैगिंग में शामिल था? देख मोहित, तुम सबको टारगेट भूत कर रहा है या कोई और कर रहा है, ये बात की बात है, लेकिन इस वक्त तुम लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है, जिसकी मैं 100% गारंटी दे सकता हूं। चल बताओ और कौन कौन था? करण था? करण था? हाँ सर करण था। और कौन कौन था? सर सर क्लास के लिए मुझे लेट हो रहा है, प्लीज सॉरी सॉरी, मैं जाता हूं। जी सर। विक्रांत कोई प्रोग्रेस? जी सर, आज एक सेकेंड ईयर का लड़का आकर मुझसे मिला, मोहित, बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा कि अतुल के साथ रैगिंग हुई थी, जिसमें रोनित और पॉली भी शामिल थे। विक्रांत तुम्हारी क्या राय है? ये जो अतुल है, उसे लाइफ आफ्टर डेथ में काफी दिलचस्पी थी सर, और अब सारे हॉस्टल के लड़कों को लग रहा है कि वही वापस आया है और अपना बदला ले रहा है। क्या ये पॉसिबल है? एक और पॉसिबिलिटी है सर, रवि उसका खास दोस्त था, शायद बाकी लड़कों के डर का फायदा उठाकर रवि अतुल का बदला ले रहा हो, क्योंकि पॉली की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि जिस रेट से उसका मर्डर हुआ था, उस पर से किसी ने बड़े तरीके से फिंगरप्रिंट्स मिटाए और फिर ब्लेड वापस पॉली के हाथ में रख दिया। इधर कोल्ड ब्लडेड मर्डर सर, कोई भूत भूत नहीं है। ओके, कीप मी अपडेटेड। जी
लाइट्स को क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, पिछले कुछ दिनों से यही प्रॉब्लम चल रहा है. एक्सक्यूज मी. क्या? कौन है वहां पे? ऐसे कैसे हो सकता है सर? मोहित का रूम मेरे रूम के बगल में है एंड आई एम डैम श्योर उसके रूम में ना तो कोई गया है ना ही उसकी आवाज आई है. तो फिर ये कैसे? सर, रस्ती का फोन आ रहा है. मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं उनसे क्या कहूं. एक्सक्यूज मी सर, ऐसे बंद कमरे में कोई मोहित को कैसे मार सकता है? और उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी निशान भी नहीं है. मुझे लगता है सर ये सुसाइड है. पोस्टमार्टम के पहले ही नतीजे पे पहुंच रहे हो सावंत? सॉरी सर. मोहित सिगरेट सुलगाने के लिए गया और तभी उसे अस्थमा का अटैक आया और मे बी उसका इनहेलर मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई. यस सर, और इसीलिए उसके शरीर पे किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है. नहीं, लेकिन अगर उसे अस्थमा का अटैक आता तो वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करता मदद मांगने के लिए. तुम्हें कोई आवाज नहीं आई इस कमरे से? नो सर. सच बोल रहे हो? यस सर. जाओ. सावंत, फॉरेंसिक टीम को कॉल करके बता दो कि ये केस टॉप प्रायोरिटी है. इसकी ऑटोप्सी जल्द से जल्द निकाले. जी सर. और रवि का क्या? वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला? सर, जैसा आपने कहा था, मैं पूरी रात रवि के कमरे के बाहर ही था. बाहर ही थे? वॉशरूम के लिए भी नहीं गए? नहीं सर. श्योर? श्योर सर. और सर, एक्चुअली जूनियर्स के फ्लोर पे कोई भी लड़का रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकला सर. कॉलेज नहीं गए? अभी जा ही रहा था. रवि, मैं जानता हूं कि अतुल के साथ रैगिंग हुई थी, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे. जिन सीनियर ने ये सब किया है उन्हें सजा मिलकर रहेगी, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना मुंह खोलो.
दोस्त थे ना तुम अतुल के? सर, सीनियर्स ने अतुल की बिलीफ उसकी आस्था का मजाक बना के रख दिया था। अतुल ने काफी बार वार्डन को कंप्लेंट भी की थी, बट उसकी वजह से उल्टा अतुल के लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सर, उल्टा करण को बचाने के लिए वार्डन ने अतुल का ही इस हॉस्टल में रहना मुश्किल कर दिया था। वार्डन करण को क्यों बचाना चाहता था? क्योंकि वार्डन करण के चाचा है और करण के पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी है। सर, तब हम करण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, पर अब पासा पलट चुका है। अतुल उन्हें नहीं छोड़ेगा, कोई कुछ भी कर ले, आप ये मानो या ना मानो। बोलिए। सच सच बताओ करण, इन सब मर्डर्स में तुम्हारा हाथ है क्या? शांति चाचू, शांति। बोलो मत के पापा ने आपके लिए क्या क्या किया। मेरे साथ रहोगे तो खुश रहोगे, समझे? और इस साले रवि का तो मैं कुछ करके रहूंगा, इससे पहले कि ये सबके सामने अपना मुंह खोले। बस करण, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। पहले तुमने उस अतुल को सुसाइड करने पे मजबूर किया और अब तुम। पर से पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मुझ पर उंगली उठी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, सबके सामने तुम्हारा सच बोल दूंगा। फोन करना पड़ा था मुझे, और सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए नहीं। वो मोहित उस पांडू के सामने सब कुछ उगल रहा था चाचू। पॉली और रोनित के साथ और कौन कौन रैगिंग में शामिल था? करण था। हाँ सर। तू? अगर मैं उसका टाइम पे मुंह बंद ना करता तो ये नौकरी तो क्या आप जेल जा चुके होते अभी तक। बोलिए, जाके सबको बोल दीजिए। मैं भी सबको बोल दूंगा कि सारे रूम की कीज मुझे आपने दी थी और मोहित को भी आपने ही मुझे मारने के लिए बोला। बोलना चाहेंगे सबसे आप? चलिए बोल दीजिए, आइए। अबे चोमू, इतनी रात को अकेले घूम रहा है, अपने किसी दोस्त को नहीं लेके आया? जरूरत नहीं। अबे कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया चूहे। चुप कर डस्टबिन बार बार। पकड़ इसको, मार इसको, मार। एक और बार। रिकी, मिस्टर पुरी, तुम जाके चेक करो कि रवि की तबीयत ठीक है या नहीं, और आप अपने ऑफिस में ही वेट करना, मैं आके आपसे मिलता हूँ। और सावंत, आज से तू इस पे नजर रखेगा। यस सर।
चाचू चाचू रिक्की पे अटैक अतुल ने किया है। बस कर करण, मुझसे झूठ मत बोल और सुन ले एक बात। मैंने हॉस्टल के सारे स्टूडेंट को सुबह सुबह घर निकलने के लिए बोल दिया है, तू भी निकल जाना। अतुल मर चुका है। क्या किया था तुम लोगों ने अतुल के साथ? और मारा किसने तुझे? करण ने या रवि ने? ये कोई सीक्रेट सुसाइड चैलेंज वगैरह नहीं चल रहा है ना तुम्हारे हॉस्टल में? बेवकूफ मत बन, वैसे भी तू और करण रैगिंग के केस में सस्पेंड होने वाले, अब भी वक्त है, सच बोलेगा तो बच जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया, हम तो बस मस्ती मजाक कर रहे थे सर, बस। और मोहित ने जो भी आपको कुछ बोला वो सब झूठ है सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं। तुझे कैसे पता मोहित ने मुझसे कुछ बोला? सर करण ने आपकी और मोहित की बातें सुन ली थी, मैंने कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं। ठीक है चल आराम कर और कमरे से बाहर मत निकलना, समझा? मैं यहाँ खड़ा था, अचानक किसी ने मुझे खींच लिया। कोई है अंदर? ये तो धुआं कैसा आ रहा है? कोई है? अरे धुआं, अंदर तो कोई नहीं है। तो अतुल ने कंप्लेंट की थी लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं ली। सर आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ रैगिंग के खिलाफ कितने स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए हैं, और ये जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो हर कैंपस में होते रहते हैं। सर ये अतुल जो है वो थोड़ा सा भी स्ट्रांग होता ना तो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाता। अरे आप तो अतुल को दोष देना बंद करो मिस्टर पुरी, सच बात तो ये कि आपने ठीक तरह से एक्शन नहीं लिया और इसलिए अतुल ने अपनी जान दे दी। आपने करण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि आप उसके चाचा है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, शुरू में तो मुझे लगा था कि रवि ये सब कर रहा है अतुल का बदला लेने के लिए, लेकिन आज उसके स्टेटमेंट से सब कुछ क्लियर हो गया। आपने तो वो रैगिंग वाली बात हमसे छुपा ली थी करण को बचाने के चक्कर में। नहीं सर करण को फंसाया जा रहा है, ये सब बातों में करण का कोई हाथ नहीं है, ये रवि जो है वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है मिस्टर पुरी? करण दोषी है या नहीं ये तो मैं पता कर लूंगा, फिलहाल ये पता करना है कि आपका इसमें कितना हाथ है। यहां से नहीं लेंगे, मैं
बोल सावंत। सर, करण का कहीं भी तुझे पता चला? ठीक है, तू यहीं पे रुक। ये आदमी इस केबिन से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझा? यस। खेलना नहीं है। आपकी गाड़ी एकदम सेफ है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, वरना अतुल मुझे भी मार देगा। ठीक है, चलो चलो निकलते हैं। चाचू जल्दी चलिए। और गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? चाचू अतुल, अतुल, चाचू निकलो, निकल, भागो। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। चाचू नहीं है। कहाँ गया? अभी तो था इधर। चाचू जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार, गाड़ी को अभी बिगड़ना था। असावंत सर, वो भाग गया। क्या? दरवाजा खोल। चाचू ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोल, निकल रहा है। गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। खोलो, कोई है? बचाओ! करो भाई, करो ना।